चाहे वो वित्त मंत्रालय में आता हो, आरबीआई के अंडर में आता हो, सेबी के अंडर में आता हो या एमसीए के अंडर में आता हो, ये जो कमेटी बनी है उसमें सब शामिल है। इसलिए इस बात को यहां ये न फंसा दिया जाए कि भाई कौन सा पेपर मांग रहे हैं। पेपर तो सुब्रत और सहारा साहब ले लिए थे भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टल जो बनाया गया है वो पूरा का पूरा सहकारिता मंत्रालय द्वारा, सहकारिता मंत्रालय मतलब जितने भी सारा की चार सोसाइटियां हैं उसमें 86,000 करोड़ का पेमेंट है, 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ की सर पाठक साहब अगर पोर्टल पे जवाबदारी ले लिया गया है और वहां पर सहारा के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर क्यों डाउट हो रहा है? क्या वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि नहीं सहकारिता मंत्रालय वाला कागज से हम पेमेंट नहीं करेंगे? या क्या यह कहा गया कि बॉन्ड वाले का हम पेमेंट नहीं करेंगे? अरे भाई बॉन्ड जो पोर्टल बनी है 86,000 करोड़ की पेमेंट करने ही बनी है, 100% पोर्टल से पेमेंट हो गए, 86,000 करोड़ पेमेंट हो जाएगी। आप पेमेंट मांग दीजिए वहां से, पेमेंट भेज तो दीजिए, आपको सहारा पे भरोसा नहीं है? आपको सहारा पे भरोसा नहीं है, सीएमसी छोड़ दीजिए, सरकार पे भरोसा है कि नहीं है? सरकार पोर्टल बनाई है 86,000 करोड़, आपसे कौन बोल रहा है कि रियल एस्टेट चलाइए? आप सहकारिता में आप सोसाइटी का वहां पे पेपर सबमिट करना है ना, निवेशक समझ गए हैं किस पे भरोसा है, किस पे निवेशक समझ सकते हैं, लेकिन 99% डिफिशियंसी क्यों? बोलने के लिए एक मिनट, डिफिशियंसी आने का मेन कारण, अरे डिफिशियंसी आने का मेन कारण, डिफिशियंसी आपने आइएगा, डिफिशियंसी आपने डिफिशियंसी मेरा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है सर। सुनिए अभी जो डिस्कस, आप जवाब नहीं, मंडल आप जवाब दे दीजिएगा, एक मिनट हमको एक मिनट दे दीजिए, जवाब एक मिनट, नहीं नहीं जवाब हमको एक मिनट दे दीजिए, उसकी आशुतोष जी जवाब दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है तो जवाब तो ले लीजिए, एक एक करके बोलना दिया जाए जी सर। अरे डिफिशियंसी का कारण, डिफिशियंसी क्यों आ रहा है सर सुन लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में सहारा का 5,000 ब्रांच था, 5,000 ब्रांच में से आज की डेट में 10% ब्रांच भी चालू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न तो किसी को सैलरी मिली, न रेंट मिल रहा है, न लाइट बिल बढ़ाया है। तो सर डिफिशियंसी तो इसलिए आ रही है क्योंकि ब्रांच ही बंद है, डॉक्यूमेंट कहां से अपलोड होगा? आप बोलेंगे कि 15,000 सहारा के मैनेजमेंट तो काम नहीं कर रहे, वो तो टाइम पास कर रहे हैं भाई, ब्रांच अपनी ब्रांच बंद है तो डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट होगा? आप ब्रांच ब्रांच खोलने के लिए सहारा श्री जब जिंदा थे पाठक साहब, सहारा श्री जब जिंदा थे, सुन लीजिए सर सुन लीजिए सर, जब ये पोर्टल से आया गया, पोर्टल बनाने से पहले ये लोग जो है ये बनाने से पहले सहारा श्री भी 5,000 रुके तो सही यार। अरे मैंने जब ये कहा, आप बोलिए ना, आपको बोलने के लिए पूरा देंगे मौका, आपने बोला भी, कन्हैया का जवाब सुन लीजिए कन्हैया जी का, उसके बाद आप बोलिएगा, सारी बात बोलिए कन्हैया जी। अब आपको सिर्फ देखिए, आपको मैक्सिमम दो मिनट करेंगे, बोलिए उसके बाद बोलेंगे, दो मिनट आप बोलिए, दो मिनट सर। डिफिशियंसी आने का कारण का मैं जवाब दे रहा था, डिफिशियंसी क्यों आ रहा है? जब हमारा ब्रांच 5,000 ब्रांच में से सर 90% ब्रांच अगर बंद हो तो डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट होगा, हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सहारा श्री जब जिंदा थे तब जब पोर्टल बनी थी उससे पहले एफिडेविट लगाए थे कि हमारे 5,000 ब्रांच बंद हो जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हमारे वहां स्टाफ कोई काम नहीं कर रहा है, रेंट भरना है, हमें सैलरी देना है, कमीशन देना है,
हमें भी कुछ फंड दिया जाए, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया। ब्रांच बंद होते चली गई, ब्रांचेस सब बंद है, लोग ब्रांच में आ नहीं रहा, तो डिफिशियंसी नहीं आएगा तो क्या आएगा, कहां से डॉक्यूमेंट को मैच कराया जाएगा, कैसे उसको वेरीफाई किया जाएगा। आज मैं आपको बोल रहा हूं कि सहारा की सभी ब्रांच को खोल दिया जाए, सभी ब्रांच में फंड दे दिया जाए, और फिर अगर आप आरोप लगाइए कि ये सहारा के प्रबंधन के द्वारा मिसमैच हो रहा है या डिफिशियंसी आ रहा है, तब मैं मानू आप ब्रांच खुलवाइए तो सही, आप पेमेंट दिलवाइए तो सही, सैलरी कमीशन ब्रांच का जो रेंट है वो दिलवाइए तो सही, फिर बोलिए कि डिफिशियंसी नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ये कारण है डिफिशियंसी का, डिफिशियंसी आने का कारण ये। अच्छा हो गया, आप हमको एक मिनट अब आप ही बोल लीजिए, बोलिए बोलिए एक मिनट, एक मिनट आपको दे दीजिए, तो कभी इंटरनेट काम करता नहीं, पता नहीं किस इलाके में रहते हो आप यार, लाखों बार हम बोल चुके हैं, हम ये कहते हैं सर, बोलिए सुनील मंडल, तो सर हम ये कहते हैं कि तो शुभम जी ने आपको समझाया और आप पूरी तरह नहीं समझ पाए, कन्वर्जन पालियो लाने गई थी सहारा, तो सेबी ने पकड़ा कि ये गलत तरीके से मार्केट से पैसा उठता है, आप रियल एस्टेट हाउसिंग में जो पैसे उठाते हैं आप, तो इसका काम से ही किया पता कि रियल एस्टेट और हाउसिंग तरीके जितने मतलब लोगों जमा करता थे उनका भुगतान दिखा दिया गया, मतलब उस कंपनी में दिखाया कि जमाकर्ता ने पैसे ले लिए और उसी पैसे का दूसरी कंपनी में निवेश करके उसका बॉन्ड दे दिया गया, यही खेला हुआ है, मतलब एक कंपनी में भुगतान दिखाया दूसरी कंपनी में जमा करवा दिया गया, इसी को हम लोग कन्वर्जन बोल रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और क्यू सोप में पैसा क्यू सोप से भी पैसा उसी तरह से क्यू सोप भुगतान दिखा दिया गया और निवेश जो है सोसाइटी में कर दिया गया। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।